मेरे पास है एक प्रिंटर, यह जो है कैनन का है, कैनन ब्रांड का यह प्रिंटर है, पिक्समा, जिसका मॉडल नंबर है TS3370S। इस प्रिंटर को लगभग हम 2 महीने से उपयोग कर रहे हैं और इस उपयोग के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि इस प्रिंटर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, किनके लिए यह कामयाब होंगे और किनके लिए यह प्रिंटर कामयाब नहीं होंगे, इस प्रिंटर की खासियत क्या है, चले हम इसको देखते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इसका जो इंक होता है, इंक को रिफिल कैसे किए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है इसमें इंक को रिफिल करने में ही आते हैं। खैर, यह प्रिंटर जो है बहुत ही सस्ता है और साथ ही बहुत ही अच्छा है। इस प्रिंटर के साथ इसमें दिया गया है स्कैनर, जिससे क्या कर सकते हैं कि आप स्कैन कर सकते हैं। फिलहाल में जो देख रहे हैं हमारे पास ये पेपर, यह पेपर हम ऑलरेडी क्या किए हैं कि यहाँ से हम 2 कॉपी किए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं कितना फ्रेश है, यानी कि 2 कॉपी करने में कोई भी दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि यह जो है बहुत ही अच्छा प्रिंट करके देता है। आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी प्रिंट कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे दिया हुआ सिस्टम जिसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। यदि आपका कैटरिज खत्म हो जाता है, बोले तो आपका इंक यदि खत्म हो जाए, तो कुछ इस तरह से आपका प्रिंट उठाना शुरू करता है, यानी कि आपका इंक जो होता है खत्म हो जाता है। जब इंक खत्म हो जाता है तो इसे क्या करना पड़ता है कि रिफिल करना पड़ता है। अब रिफिल आप कैसे कर सकते हैं, चलिए हम आपको ये बाद में बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे खासे बहुत सारी बटन देख सकते हैं, इन सारी बटन का क्या क्या उपयोग है, चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए, इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रिंटर को लेंगे तो इसके साथ आपको क्या क्या मिलेंगे। तो हमारे पास है एक डिब्बा, चलिए हम आपको उसको हम दिखाते हैं, फिर भी आपको दिखाने के लिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिए हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ कागज दिए हुए हैं, और यह जो है बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है कि इसमें आप इसमें रखा हुआ था इंक कार्ट्रिज। इंक कार्ट्रिज मतलब जिसमें आप इंक रख सकते हैं, और इंक रखने के बाद आप इसमें प्रिंटर में लगा सकते हैं, ताकि आपका जो कॉपी हो वो कॉपी हो सके, पेपर है जो कॉपी हो सके। और एक कुछ पेज है जो मैनुअल कार्ड की तरह दिया हुआ है, और ये भी कुछ पेपर ही है, और इतनी सारी आपको पेपर यह क्या होता है प्रिंटर के साथ दिए जाते हैं, और यह कुछ लिफाफे भी हैं। और यह जो डिब्बा जो दिख रहे हैं, इसमें आपको मिलेगा कार्ट्रिज, जिसमें कार्ट्रिज जिसमें इंक रखने वाले जो बक्सा होते हैं, और इस कार्ट्रिज को निकाल को आपको लगाना पड़ेगा प्रिंटर में। खैर, इसके साथ और भी देखते हैं क्या क्या मिला है। तो ये भी एक मैनुअल कार्ड ही है, जिसमें नहीं वारंटी कार्ड लिखा हुआ है, तो 1 साल की वारंटी के साथ ही आपको मिल जाता है। खैर, आगे हम देखते हैं कि इस बक्से में क्या है। तो ये फोम देख सकते हैं, प्रिंटर को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाते हैं, और इसका कोई काम नहीं है। और साथ में देखा जाए तो यह है एक सीडी, और जिसको आप सीडी देखकर शायद इसका आप यूज करना सीख सकते हैं, लेकिन इसको हम बिना देखे इसका हम यूज करना जान गए। साथ में कुछ मिलता है इसके अंदर भी है कुछ, तो ये है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, फोटो का भी 2 कॉपी कर सकते हैं, इसमें दिया गया है, लेकिन फोटो का 2 कॉपी नहीं हो पाता है, ऐसे हम यूज करके इसको देखे हुए हैं। और इसके साथ ये मिलता है कुछ, ये कुछ है पता नहीं क्या है। खैर, इस डिब्बा में और भी कुछ दिया हुआ नहीं है, इतना ही है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रिंटर की तरफ, और आपको बता दें प्रिंटर की खासियत और इसका कैसे यूज करना है। देखिए, इस प्रिंटर के साथ आते हैं 2 केबल अर्थात 2 तारे आते हैं, जिसको आप जोड़कर इस प्रिंटर को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। जैसा कि ये पहला तार आपको जो दिख रहा है, ये जो पहला केबल जो दिख रहा है, ये पहला जो केबल दिख रहा है, आप क्या कर सकते हैं इसको इस प्रिंटर में कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं इसको कंप्यूटर से आप इसको चला सकते हैं इस प्रिंटर को। यदि आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो इस केबल का बेहद ही ज़रूरत है। खैर, इसका यूज़ कैसे करना है जरा हम इसको देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होल दिख रहा है, इस होल में क्या करना है, ये जो चरखुट्टे जैसे बने हुए हैं इसको क्या करना है कि ऐसे ऐसे मतलब इसको लगाने वाले होते हैं सिस्टम। चलिए, जैसे कि ये लग चुका है, और इसको आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर का जो USB केबल होंगे आप उसमें क्या कर सकते हैं इसको लगा सकते हैं, और लगाने के बाद इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। खैर, उसके बाद हमारे पास है एक ए, आप देख सकते हैं ये पावर केबल है, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं अपने प्रिंटर को आप पावर दे सकते हैं। चलिए, हम इसको ये जो है इसको पहले हम हटा लेते हैं। ये है केबल जो है पावर केबल, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं प्रिंटर में पावर सप्लाई कर सकते हैं, अर्थात बिजली को सप्लाई कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर देगा आपको, ये जैसे कि होल दिख रहा है यहाँ पर, इस होल में क्या करना है कि इसको प्लग करने हैं, लगा देने हैं। और ये जो पावर केबल दिख रहा है इसको क्या करना है कि आपको किसी प्लग में लगा देने हैं, ताकि ये प्रिंटर चालू हो जाए। तो चलिए, हम लगा कर दिखाते हैं।
जब इस प्रिंटर के पीछे आप क्या करेंगे, पावर केबल लगा देंगे, जैसे कि आप पावर केबल यहाँ दिख रहे होंगे, ये जो पीछे लगा देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, इस बटन से क्या कर सकते हैं कि इस प्रिंटर को ऑन कर सकते हैं और इसी बटन से आप ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे क्या करना है कि लॉन्ग प्रेस करना है, कि थोड़ा देर के लिए क्या करना है, इसको दबाए रखना है। जैसे आप दबाए रखें कि यहाँ पे एक बत्ती जलेगी, और बत्ती जलने के बाद कुछ आपको इस प्रिंटर में आवाज़ें सुनाई देगी, जैसे कि आप सुन सकते हैं। और जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है कि ये क्या होता है, प्रिंटर आपको उठा लेता है। लेकिन इस प्रिंटर को चलाने से पहले वो क्या करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ता है। और यह सेटिंग आपको सीखने के लिए आपको यूट्यूब पर आप जा सकते हैं और आप इसका सेटिंग देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इसको सेटिंग करना कैसे है। फिलहाल में हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसका सेटिंग हो जाने के बाद इसका यूज़ कैसे करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सभी ये मोबाइल से चलते हैं वायरलेस, अर्थात वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, मोबाइल का कनेक्ट करने के लिए ये सब बटन दिए हुए हैं। यहाँ पे ब्लैक इंक का बटन दिया हुआ है और कलर इंक का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसके द्वारा यह बताया जाता है कि आपका मोबाइल कहाँ कनेक्ट, मतलब कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है, जो कॉपी करने हैं और कितने कॉपी करने हैं, ये सारी यहाँ पे बातें बताई जाती है। यदि जीरो है तो अभी एक भी कॉपी नहीं हो रहा है, यदि ऑन होता है तो एक आपको टू कॉपी होकर निकलता है। और यह मोबाइल का सीन दे रहा है, इसका मतलब है कि मेरा मोबाइल इस प्रिंटर से कनेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी हम सेटिंग कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे मोबाइल का सीन दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है A4। A4 जो है पेपर का साइज है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेटिंग करके रखा हुआ है। खैर, उसके बाद यहाँ पे ये सब, अब यदि आप मोबाइल से नहीं यूज़ करना चाहते हैं या चाहे आप कंप्यूटर से इसको नहीं चलाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ हम इसी का यूज़ करके हम चलाएं, तो यहाँ पे बटन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैक दिया, यदि आप ब्लैक टिपते हैं एक बार तो यहाँ पे वन आएगा, तो एक प्रिंट करके आपको देगा। उसके बाद कलर भी आप कर सकते हैं, अर्थात कलरफुल भी आप प्रिंटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। सवाल आता है कि जब हम यदि ब्लैक एंड व्हाइट यदि हम प्रिंट करते हैं, यानी ब्लैक यदि हम यूज़ करते हैं इंक का, तो हमें एक पेपर पर कितने रुपये लग जाते हैं। तो चलिए हम इसको सबसे पहले आपको प्रिंट करके दिखाते हैं कि ये प्रिंट करता कैसे है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आप इससे आप क्या टू कॉपी कैसे कर सकते हैं। टू कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको ऐसे उठाने हैं और इस पेपर को क्या करना है कि आपको ऐसे लगा देने हैं, पूरे नीचे तक आपको लगा देने हैं। जब ये लग जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो स्कैनर जो आपको दिख रहा है, इस बक्सा को उठाने हैं और इस स्कैनर पर क्या करना है कि आपको अपने जो भी कॉपी करने हैं इसको सही से आपको रख देने हैं। A4 साइज का पेपर आपको कर देता है टू कॉपी। उसके बाद इसे क्या करना है, बंद कर देना है। उसके बाद क्या करने है हमें, यदि ऐसा सीन यदि दिख रहा हो जीरो, उसके बाद यहाँ दिख रहा हो मोबाइल का सीन और साथ में A4 दिख रहा हो, तो इस मुझे ये कंप्यूटर ये जो प्रिंटर है बहुत ही अच्छे ढंग से भी काम कर रहा है। इसको हमें क्या करना है, वायरलेस, मतलब अभी हम क्या करना है कि बिना मोबाइल और कंप्यूटर से ही क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसके इस बटन से। तो यहाँ ब्लैक लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, एक बार ब्लैक हम प्रेस करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये देख आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये प्रिंट करने के लिए रेडी हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ऑन यहाँ खोल देंगे। अब कुछ समय लगता है क्योंकि पहली पहली बार जब करेंगे तो कुछ समय लगेगा, उसके बाद जब स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा कम समय लेता है, थोड़ा वेट करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बटन यहाँ पर ब्लिंक कर रहे हैं, तो जो बटन यहाँ ब्लिंक करेगा तो समझिए कि वही ये काम कर रहे हैं। यदि कलर जो हमारा ब्लिंक नहीं करा, इसका मतलब कि हमारा जो कलर है इसमें क्या हो कि कलर वाला जो कैटरीज है उसमें कलर हमारा इंक खत्म हो चुका है और ब्लैक वाला हमारा क्या है अभी है, क्योंकि हमें कलर इंक का कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम दोबारा भरे भी नहीं है। खैर, अब हमें वेट करना होगा, देखना होगा कि ये कितने देर में क्या करता है कि ये प्रिंट निकाल पाता है, यानी कि सॉरी ये मतलब टू कॉपी कर पाता है। तो चलिए वेट कर लेते हैं और देखते हैं। देखिए अब देख सकते हैं प्रिंट करना शुरू कर चुका है और इधर से आप देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह क्या है कि प्रिंट यहाँ पे कर चुका है, देखिए कितना बहुत ही खूबसूरत यहाँ प्रिंट किया गया है। खैर, थोड़ा सा हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये शायद हमें लगता है कि पेपर सही ढंग से नहीं रखा गया था, तो इसको हम सही से एक बार रख देते हैं और फिर से हम क्या करते हैं प्रिंट निकालते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एक बार में आप लगभग 20 प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम एक बार में चार यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे चार क्या होगा प्रिंट करके दिखाएगा। देखिए यदि हम सही से यदि हम रखें तो देखिए कितना ही बहुत ही अच्छा ढंग से क्या क्या इसको टू कॉपी किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर और भी देखते जाइए, यहाँ पे पेज है।
यदि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए कितने बहुत ही खूबसूरत ढंग से क्या किया इसने, प्रिंट किया है अर्थात टू कॉपी किया, बहुत ही अच्छा किया, एक भी मिस्टेक यहाँ पे किया नहीं है, मतलब टू कॉपी करने में यह मशीन कोई भी गलती करती नहीं है। चलिए अब तो आप काम देख लिए, अब जैसा कि आपने अभी देखा कि हम अब आपको अभी दिखाएं टू कॉपी करके, और यह बहुत ही अच्छे ढंग से टू कॉपी करता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको मोबाइल से भी आप प्रिंट कर सकते हैं, साथ में आप क्या कर मतलब कंट्रोल भी कर सकते हैं मोबाइल से, और साथ में आप क्या कर सकते हैं कंप्यूटर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल मोबाइल और कंप्यूटर से भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी समय कम है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ आपको हम बातें बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पेज पर हमको कितने रुपये पड़ेंगे, तो फिलहाल में हम आपको दिखाना चाहते हैं इसका कार्ट्रिज, और कार्ट्रिज के अकॉर्डिंग और साथ में इंक का कौन कौन सा हम यूज़ किए हैं जो आपको भी यूज़ करना चाहिए। तो चलिए हम कार्ट्रिज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस प्रिंटर को ऑफ करना होगा, नहीं तो शायद हमें प्रिंट मार सकता है, इसलिए हम सबसे पहले हम इसको ऑफ करते हैं। ऑफ करने के लिए यहाँ पे लिखा है, इसको बटन को हम क्या करना है प्रेस करना है। प्रेस जैसे ही करेंगे तो ये क्या होगा कि ये ऑफ हो जाएगा, तो ये ब्लिंक कर रहा है। एक बार क्या करना है, एक बार फिर से प्रेस करना होगा और ब्लिंक करना खत्म हो जाएगा। फिलहाल में खत्म हो चुका है, मतलब ये ऑफ हो चुका है। फिलहाल हम पावर केबल भी हटा देते हैं, कौन ठीक कोई ठीक नहीं है कि कहीं करंट मार दे, तो हमने पावर केबल भी क्या किया हमने हटा दिए, और यह पूरी तरह से प्रिंटर जो है मतलब ऑफ हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका जो कार्ट्रिज है उसको हम निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ यहाँ पे एक ऐसा खींचने वाला है, जिसको क्या करना है कि इसको ऐसे प्रेस करना है, नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, ये क्या करेंगे ये ऐसे खींच निकल जाता है, फिर करेंगे अंदर चल जाएगा, फिर ऐसे जोर करेंगे ये नीचे आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे जोर से तो ये अंदर चला जाएगा। तो आप इसको निकालने के लिए ऐसे करेंगे, ये निकल जाता है, और उसके बाद हम देख सकते हैं आप अंदर के पार्ट क्या क्या चीज़ दिए हुए हैं। यहाँ यहाँ पर जो है यहाँ पे कार्ट्रिज दिया हुआ है, आप इसको क्या करेंगे इसे खींचेंगे, ये कार्ट्रिज होगा इधर भी हो सकता है और इस साइड में, राइट और लेफ्ट दोनों में हो सकते हैं, तो जिधर भी हो आप खींच कर बाहर निकाल सकते हैं। ये जैसे कि आप दो चीज डिब्बे जैसा देख रहे होंगे, ये जो दो कार्टिज दिख रहा है इसको क्या करना है कि यदि निकालना हो तो इसको क्या करना है, सबसे पहले वो क्या करना है प्रेस करना है नीचे की तरफ। यहाँ पे देख रहा, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं कलर और ब्लैक लिखा हुआ है, मतलब जो लेफ्ट हैंड का जो है वो है कलर वाला और राइट हैंड का जो है वो है ब्लैक वाला इंक, मतलब कार्टिज। तो हमें क्या करना है, इस कार्टिज को निकालने के लिए इसे नीचे की तरफ प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे कि ये क्या करता है ढीला हो जाता है, उसके बाद आप बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद एक कलर वाला भी, कलर वाला भी आप ऐसा करके निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको क्या कर दिया, आप बंद कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो कार्ट्रिज है, इसी इसी को हम कार्ट्रिज बोलते हैं, और इसी में रखे जाते हैं इंक। अब इंक को कैसे रिफिल करना है यही सबसे बड़ी झंझट वाली बात है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक कार्ट्रिज हम बर्बाद कर चुके हैं, जो आपको हम दिखाना चाहेंगे लीजिए। तो ये देखिए, ये मेरा पुराना वाला ब्लैक कार्ट्रिज है, क्योंकि यह क्या हो गया था कि खराब हो गया, ऐसे खराब हुआ नहीं था, हम खुद खराब किए थे। बात यह है कि इसमें इंक कैसे रखना है ये मुझे नहीं मालूम था, इसलिए मैंने क्या किया, बहुत सारे वीडियो देखे यूट्यूब पर, फिर तो यहाँ पर भी होल दिया हुआ है, इसके पीछे भी होल दिए हुए हैं, तो हमें कन्फ्यूज़ हो गए थे कहाँ डालना है। जब हम इसमें इंक डाल रहे थे, रिफिल कर रहे थे, तो इंक जो है इस साइड से ऐसा दिख रहा है, इस साइड से बाहर निकल जा रहा था, तो हमें लग रहा था कि ये मतलब काम ही नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, हमने कलाकारी कर दी, कलाकारी करके हमने क्या किया, इसको पूरे तोड़ मरोड़ कर देखा कि आखिरकार क्या दिक्कत है, क्यों नहीं इसमें हो रहा है मेरा काम। तो पता चला कि इसमें छोटा सा बिल्कुल होल है, इसको सिरिंज के द्वारा इसमें इंक डाले जाते हैं। तो यहाँ पर इसको एक होल देख सकते हैं, इसको डालना कैसे हम आपको दिखाएंगे, मतलब सिरिंज के द्वारा इसमें हम इंक डालकर भी आपको हम दिखाएंगे। फिर तो खराब हो चुका है, इसको हम साइड करते हैं, और यह है मेरे वाला, ये है मेरे पास अच्छे वाले कार्ट्रिज जिसका हम यूज़ कर आपको दिखाते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि जब आप प्रिंटर खरीदेंगे तो यह जो है मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहीं दे पाएगा, 15 से 20 ही आपको टू कॉपी करके दे पाता है, अर्थात एक बार आप कार्टिज, यदि ये कार्टिज जो आपको मिलेगा लगभग 500 का एक मिलता है, तो इसे 15 से 20 ही टू कॉपी हो पाते हैं। हाँ, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि रिफिल कर सकते हैं, यानी कि आप इंक भर सकते हैं। ऐसे मार्केट में बहुत सारे इंक आपको मिल जाएंगे, ऐसे आप मतलब ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो हमारे पास एक इंक है जो हम बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, लगभग 1-2 महीने से यूज़ कर रहे हैं, और हम लगभग 200 से 250 हम पेज को क्या कर चुके हैं कि मतलब प्रिंट कर चुके हैं, यानी कि टू कॉपी कर चुके हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वह जो है कौन सा मतलब इंक का डब्बा है। तो ये देखिए, आप सही से देख सकते हैं इस इंक के डिब्बा को, देख सकते हैं लिखा पिक्समा का, और बीके वहाँ पर और भी कैनन, और यहाँ पे 790 बीके लिखा हुआ है।
खैर, लेकिन यह जो आपको दिख रहा है ये कलर वाला है 746, और यह ब्लैक वाला 745। फिलहाल यहाँ पे स्टिकर था, इसको हटा दिए क्योंकि इसमें इंक भरना था। खैर, यदि क्योंकि यह 15 से 20 टू कॉपी करेगा, उसके बाद इसका इंक खत्म हो जाएगा। जैसे इंक खत्म हो जाएगा तो फिर ये प्रिंटर काम नहीं करेगा। तो इससे अच्छा कि प्रिंटर के साथ साथ आप इस इंक को भी मंगा लें, और यह इंक आपको अलग से मिलेगा जो 500 का मिलेगा। और यह बहुत ही अच्छा इंक है जो इसमें काम करता है, और हम काम भी कर रहे हैं। 790 BK लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए, इसका लिंक आपको हम ऑलरेडी दे देंगे ताकि आप यही आप इंक को खरीद सकें। चलिए, इसके बाद हम दिखाते हैं कि आपको यह जो इंक का है इसमें से हम इंक को निकालते हैं। खैर, यह इंक दिख रहा होगा, यह आधा इंक आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसका हम आधा इंक यूज़ कर चुके हैं। फिलहाल में यह रैपर इसमें सटा हुआ था, कागज़ सटा हुआ था जिसको हम निकाल दें, क्योंकि हमको बुझा ही नहीं रहा था कि इंक कहाँ तक हमारा ख़त्म हो चुका है इसमें। तो इसको निकाल दिए हैं, तो इसका रैपर नहीं है। और इसमें देखिए, अभी हम आधा आधा से भी ज़्यादा बचा हुआ है, फिर भी हम लगभग 200 तक पेज हम प्रिंट कर चुके हैं और फिर भी इतना बचा हुआ है। हमें लगता है कि शायद इस डिब्बा से या हम लगभग 600 तक हम शायद टू कॉपी कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, हम जितना यूज़ किए हैं उसके अनुसार हम आपको बोल रहे हैं। और ये देखिए, इतना ख़त्म भी हम कर चुके हैं, यहाँ तक आधा तक कर चुके हैं, थोड़ा सा ख़त्म भी कर चुके हैं। और यह जो इंक है आपको लगभग 500 में मिल जाता है। तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि प्रिंटर या खरीद रहे हैं तो आप इंक भी यह खरीद लें प्लस में, ताकि आपको कंटिन्यू काम करने में कोई दिक्कत ना हो। खैर, इसका हम लिंक दे देंगे। और अब जानना यह है कि इसको हम रिफिल कैसे करते हैं। इस प्रिंटर में आप इस कार्ट्रिज में यदि आपको क्या करना है, ये तो खराब हमारा कार्ट्रिज, इसको हटा देते हैं। और ये हमारा ब्लैक वाला कार्ट्रिज है, इसमें यदि इंक को रिफिल करना है, सबसे झंझट वाली बात यही है, यदि इंक को रिफिल करना है तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले ए वाले जो आपको हम डिब्बा दिखाए हैं इंक का, वो वाले को क्या करना है, इसमें इंक निकालने हैं, इसको खोल लेने हैं। उसके बाद ये जो ढक्कन है इसी के अंदर आपको क्या करना है, इंक भरने हैं, ज़्यादा नहीं सिर्फ आधा ही भरने हैं, आधा से भी कम आपको क्या करना है कि इंक आपको भर लेने हैं। उसके बाद आपको ऐसे रख देने हैं या कोई अच्छी जगह पर, जैसे कि हमारे पास ये डिब्बा है, कैटरीज का ही डिब्बा था तो हम इसमें हम रख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिरिंच लेना है। इस सिरिंच को क्या करना है कि अच्छे से साफ कर लेना है। एक सिरिंच आपको लेना होगा, किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं या कहीं भी ख़राब होगा उसको आप ले सकते हैं। सबसे पहले सिरिंच को क्या करना है कि अच्छे से चेक कर लेना है कि सिरिंच काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इस जाना है और उसका करना है सिरिंच से इंक में भरते जाना है, धीरे धीरे आपको खींचना है ताकि पूरे जो है इंक इस सिरिंच के अंदर आ जाए। चल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा एक क्या किए हैं कि ये सिरिंच जो है इंक से भर चुके हैं। उसका क्या करना है, इसको जो जो भी इंक लगा उसको साफ करते रहना है, हमेशा साफ करते रहना है। और आप देख सकते हैं ये है आपको कार्ट्रिज, कार्ट्रिज में आपको होल दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत ही छोटा होल होता है। और जब भी आपको क्या करना है, इसको डालने हैं। चलिए, तो हम आपको ख़राब वाले में आपको हम दिखाते हैं ताकि पूरे सही से समझ में आ सके। तो ये मेरे पास खराब वाले कार्ट्रिज है, तो देख रहे हैं खराब वाले कार्ट्रिज है। अब इसमें क्या करने, देखिए अब हम इसको क्या करना है, इसको हम डालते हैं तो इसमें छोटा सा होल रहता है, नहीं होता तो थोड़ा सा आप ऐसे घोपिएगा इस चीज़ से सीन से तो ऑलरेडी इसका होल हो जाता है। यदि आप ऐसे होल में यदि घुसाते हैं तो ये आर पार होल का हो जाता है। जैसे आर पार होगा, देखिए यहाँ पे देखिए निकाल देते हैं तो बाहर तक निकल, देखिए आप सीरिंज का यहाँ पे देख सकते हैं भाग निकल गया और ये जाएगा अंदर तक। यदि ये जो दिख रहा है ये रुई जैसा, यदि इसमें घुस जाएगा तो फिर बाहर तक इंक निकल जाएगा। इसलिए आपको क्या करना कि हल्का सा थोड़ा सा क्या करना है कि इसमें आपको घुसाने, बस थोड़ा सा, और उसका क्या करना है तब इंक आपको क्या करना है, रिफिल करने हैं। और ये आपको डालने हैं, रिफिल हो जाएगा। तो ये तो हमारा डुप्लीकेट है, बोले तो ये तो हमारा टूटा हुआ है, असली वाले में आपको डाल के दिखाते हैं। ये है मेरा असली वाला जो अभी काम भी करता है, तो इसमें छोटा सा होल है, नहीं होगा तो आप उसमें चीन दिया होगा होल करने के लिए, आप क्या करेंगे कि उसको होल आप कर लेंगे ताकि आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इंक डाल सके। चल, ये हमें ऑलरेडी हो चुका है। इसमें क्या करेंगे, ऐसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इंक इसमें जाएगा। अभी धीरे धीरे क्या है कि इसमें इंक भर आ रहा है। ऐसे यदि आप सावधानी से बढ़ते तो बहुत ही आसान है। उसके बाद यदि ये ज़्यादा यदि फुल हो जाता है तो इसका इंक भी बाहर निकलने लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जब आपका बाहर इंक निकलने लगे तो आप नहीं डालिएगा और इसको पोंछते रहना है। थोड़ा थोड़ा इंक इसमें से निकलेगा और थोड़ा सा झाड़ भी देने हैं, थोड़ा थोड़ा इंक आपको निकलते ही रहेगा क्योंकि जब प्रेशर लगता है तो बाहर भी इंक इसका फेंक देता है। तो इस बात को केयर करना है और क्या करना है, धीरे धीरे आपको प्रेशर देकर इसको क्या करना है, इंक को फिर से आपको भर देना, फिर होल मिलेगा, फिर इसको डालकर फिर इंक को भर देना है।
जब इंक आपको जब कंप्लीट भरा जाता है तो इसको क्या कर सकते हैं आप, प्रिंटर में आप लगा सकते हैं, और प्रिंटर लगाने के बाद ये आसानी से काम करता है। लेकिन इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पोंछ देना होगा सही से, ताकि इसमें किसी प्रकार का थोड़ा भी इंक लगा हो ना तब ये काम करेगा, क्योंकि इंक लगा होगा कोई दिक्कत होगी तो फिर प्रिंटर आपका उठाएगा नहीं। तो चलिए हम इसको आप प्रिंटर में लगाकर आपको हम दिखाते हैं। चलिए हो गया, देख रहा ऊपर उठाइए। चलिए इस कार्टेज को आपको प्रिंटर में भी लगाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यह जो दिख रहा है इसको नीचे आपको ढका देना है। उसके बाद यहाँ पे जो हम निकाले थे इसको इस कार्ट्रिज को, अब क्या करना है कलर वाला यहाँ पे पढ़ लेना है कि कलर वाला कहाँ है और ब्लैक वाला था लेफ्ट में दिया हुआ कलर वाला, तो ये दिख रहा है ये वाला ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है, इसको इसका क्या करना है कि ऐसे नीचे करके रखना है, और ये वो जो ऊपर जो स्टिकर हटाइए ऊपर की तरफ रहने चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये दिख रहा है भाग, ये भाग जो है नीचे का भाग है, तो ये नीचे जाएंगे और उसका क्या करेंगे इसको हम ऐसे करेंगे देख सकते हैं। अभी फिलहाल में हुआ नहीं, इसको क्या करेंगे ऊपर ऐसे धक्का देना है, देखिए जैसे कट फट से बजेगा समझिए कि बैठ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे अब इसको लगाएंगे, इसको ये वाला जो भाग है नीचे जाएंगे ये वाले भाग, और ये वाला जो भाग है ऐसा वाला ये ऊपर ही रहेंगे, और इस साइड से ऐसे करेंगे जैसे आप धक्का देंगे कि खट से बजेंगे और क्या होगा ये बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि इसको आपको ऐसे डिब्बा को से बंद कर देना है, और उसके बाद यदि पावर देते हैं तो ये ऑलरेडी आपका प्रिंटर जो होता है चालू हो जाता है और एक काम करने लगता है। यदि आप इस प्रिंटर को खरीदना चाहते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं, लगभग आपको मतलब ये लगभग आपको लग जाएगा कम से कम 2 रुपये लग जाएंगे। यदि ब्लैक का यदि आप यूज़ करते हैं तो पेपर का 50 पैसे लग जाएंगे, और लगभग आपको इंक का 1 या 1.5 रुपये तक लग जाएंगे, या डेढ़ या मतलब कह सकते हैं 1.5 या 2 रुपये में आप एक पेपर का 2 कॉपी अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, क्योंकि एक कार्टेज यदि खरीदेगा जो 500 मिलता है वो 15 से 20 ही कॉपी करके दिखाएगा, लेकिन उसके साथ एक और जो आपको डिब्बा बताया है इंक का यदि वह खरीदते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं 500 से 600 आप कॉपी कर सकते हैं आसानी से। हाँ, और इसको इंक भरने में थोड़ी दिक्कत है, यदि इंक यदि आप अच्छे से ढंग से भर सकते हैं तो ठीक है आप खरीद सकते हैं। खैर यदि आप इस प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हैं तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, साथ में इस प्रिंटर का भी लिंक भी दिए हैं, क्योंकि ये सस्ता है और बहुत ही अच्छा है, और साथ में हम उस इंक का भी लिंक